युवक ने टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है, जहां न्याय न मिल पाने के कारण आत्महत्या करने के लिए वे टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ता देख लोगों ने पहले तो समझा कि टावर पर कोई कर्मचारी है। जब उसने जब हल्ला शुरू किया तब बात कुछ और समझ में आई, जिसको देखकर सभी स्तब्ध रह गए। मामला शहर के गल्ला मंडी स्थित BSNL टावर का है, जहां युवक अपनी जान पर खेलकर टावर पर चढ़ गया और टावर से कूदकर मरने की धमकी देने लगा, जिसकी सूचना किसी ने पुलिस तक पहुंचा दी। मामले की जानकारी लगने पर कोतवाली पुलिस वहां पर पहुंच गई और काफी मान मनोबल कराने के बाद उसे टावर से उतारा गया। जानकारी के मुताबिक कन्हैया लाल कुशवा नाम का व्यक्ति, जो कि सरानी गांव का उप सरपंच है, उसका कहना है कि उसने अपनी पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो गांव के दबंग ब्रजगोपाल शिवहर ने उसके ऊपर अवैध शराब का केस बनवा दिया, जिससे वह प्रताड़ित होकर आज टावर पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया। बता दें कि इस तरह नॉर्मल फरियादी तरीके से उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन इस तरह से उसे पब्लिसिटी स्टंट करने के बाद उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंच गई। मामला चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि आम आदमी अपनी समस्या और आवाज सरकार और उनके नुमाइंदों तक नहीं पहुंचा पा रहा, और अगर वे पहुंचाते भी हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं, और शायद यही उस बात का नतीजा है कि लोग अपनी बात रखने के लिए इस तरह के स्टंट पर अपनी जान पर खेल कर अपना पक्ष रखने को मजबूर हो जाते हैं। हमें पिछले साल झूठी केस में 34 में आबकारी एक्ट में बिता दिया गया था, झूठी ब्रजगोपाल सभा द्वारा। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, 21 लाख रुपया कर भी है उनकी मम्मी के ऊपर और ब्रजगोपाल सेक्रेटरी के ऊपर। आज हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो जान से मारने की धमकी और उसके भैया बच्चन चाचा के सामने मारने की धमकी दे रहे थे, कल साल दुगना देख लेंगे तेरा। अब कल खटकी आया, कौन है बच्चन चाचा? कौन बच्चन चाचा? विधायक थे, उन्हीं के सामने धमकी दे रहा था। बच्चन चाचा ने तत्काल कार्रवाई भी करवाई थी, उसको भैया को पकड़वा के भेजवा भी दिया थे। एक कल उसने फिर से जान से मारने की गाँव छोड़ दे, नहीं तो जान से दुगना देख लेंगे। तो हमने लिखित में शिकायत सबको दी, आज हमारे पास पूरे दिखा रहे हैं। तो आज क्या किया है? आज क्या किया है आपने? आज हमने क्या किया? कहा कि सब कुछ जब दे दिया शिकायत किसी ने नहीं सुनी, आज तो हमने टावर ने जिसे कोई नहीं सुनता, तो मैं टावर पे चढ़ के सबको सुनाने के लिए टावर पे पहुंचा। कूदने का नहीं, कूदने का नहीं, कूदने के लिए नहीं चढ़े थे हम, तो सुना नीचे से नहीं ऊपर से सुनाने के लिए देखे हमें। हम भ्रष्टाचार के ऊपर अगर आवाज उठा रहे हैं तो नीचे से कोई नहीं सुनता, तो ऊपर से सुनता है, कोई के नहीं सुनता। प्रशासनिक अधिकारी कितनी देर बाद पहुंचा? कितनी देर से आप चढ़े रहे? कैसे आपके पास सुनी गई? 3 घंटा पहले से चढ़े हुए हैं टावर पे। कितनी देर में अधिकारी आए हैं? अधिकारी 2-3 घंटा विलम्ब में आए, जब जानकारी हुई, जब आए हैं, आए हुए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष जाँच करवाएंगे। अभी नहीं होता है ऐसा तो फिर क्या करोगे? नहीं तो हम दोबारा से आगे कार्रवाई करेंगे, जब आश्वासन दिया तो कल अब उनके ऊपर विश्वास है, अगर नहीं करते तो फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई। ठीक है।